जमीन पे रखते हैं खुश्क होती हैं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आसिया व्लॉग ऑफिशियल। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें और फूलों की तरह हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। तो आज मैं आपको यहाँ का माहौल दिखाती हूँ कि यहाँ का माहौल कैसा है और यहाँ काम कैसे किया जाता है। तो आज उनके काम में मैं थोड़ी सी हेल्प भी करवाती हूँ, आपने मेरी वीडियो के साथ साथ रहना है। जो मारती थी मुझे आपने मारी दी, यहाँ से गोबर उठाना भी बड़ा मुश्किल है। ये देखें इतना बड़ा इनका ये वाड़ा है, ठीक है। यहाँ भैंसे वगैरह तार देते हैं, ये बांधते वगैरह नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो फिर इसके अंदर आते हैं, ऐसे गोबर उठाते हैं, ठीक है। नूरीन नखरे दिखा रही है नूरीन नखरे दिखा रही है। ये डर रही है भैंसों से ना कि ये हमें मारेंगी, मगर ये मारती बिल्कुल नहीं है। ये मुझे देख रही है ऐसे ही जैसे इसने मारना है मुझे। ये उठा भी आ देते मम्मा ने कर हम मम्मी की हेल्प करवा रहे हैं भाई। ये मुझे वो पड़ी, मैं ये उठा देती हूँ। हमारे यहाँ तो माल को ना बांध दिया जाता है, मसलन जो खरानियाँ वगैरह होती हैं वहाँ पट्टे वगैरह डाल के बांध दिया जाता है कि वहाँ चरती रहती हैं, इनको खुला छोड़ दिया जाता है। ये मजे उड़ाएं, मज़े से रहें, जब इनको भूख लगे वहाँ जाएं खरानी पे, वो खुश्क जो है क्या उसको कहते हैं तूड़ी, वो खाएं। चारा इधर है नहीं इनको बेचारों को, चारा तो इधर मिलता नहीं है। अभी लेट इधर बिजाई होगी, काफ़ी लेट, ठीक है। हमारे यहाँ तो सारे पट्टे वगैरह मुकम्मल तौर पर तैयार है। तो यहाँ पानी का खड्डा भी इन्होंने बनाया हुआ है, मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। ये देखे, ये मारती तो नहीं 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 ये देखिए इन्होंने ना खड्डा बनाया हुआ है, ठीक है। इधर पानी नहीं है फिलहाल, जब इनको जरूरत होगी तब ये पीछे से मोटर चला लेंगे। और ये पाइप लगा हुआ है, यहाँ से पानी आता है इधर, ये खड्डा बिल्कुल मुकम्मल तौर पे भर दिया जाता है और फिर यहाँ से माल यहाँ पानी पीता है और फिर खुली छुट्टी इनको। पानी चल रहा चलाने लगे हो पानी, तो वो अभी चला रहे हैं पानी। मैं मरना नहीं थल्ले आ के इंदे मुँह नहीं पाती, तुसी पानी लाने लगे थे पकड़ लें। वो पानी चलाने लगे, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ कैसे ये खड्डा भरते हैं। मेरे तो हाथ ही खराब है, फिर उसके बाद दूसरा काम करते हैं, ठीक है। पानी आ गया, पानी आ गया, खड्डे साफ भी कर दिया करो। ये देखो आस्ता आस्ता पानी आता है, आस्ता आस्ता पानी आता है और खड्डा भर दिया जाता है। तो फायदा नहीं है वैसे, आपने अपनी जरूरत कर ली है, भरना है तो भर लो वरना हमें जरूरत नहीं है इस पानी की। माल को पानी पिलाने के लिए भरना है। तो चलो जी थापियाँ बनाते हैं, वो भी आपको दिखाती हूँ बना के। आज काफी दिन हो गए हैं ना बनाए हुए। देखो नूरीन की बच्ची, ये देख लो क्या काम कर रही है। आ जाओ नूरीन ने डाली है, नूरीन को चुकवा दो। चलो उठा, चलो साथ मैं तो खुद ऐसे उठा के लेके जाऊंगी क्योंकि मेरे बाल सारे खराब हो जाएंगे। गुजरना भी बड़ा मुश्किल है।
रख दो। हाय काम करना इतना मुश्किल है। पीछे शॉट। कुत्ते भी हमारे पीछे पीछे आ गए हैं वो देखो। एक नहीं दो दो कुत्ते हैं इनके इतने कितने बड़े। चले कम का और जा थक गई बैठी हूँ। सप तो पर सट दे नहीं कुछ ना आपे के चुनेंगे तू कर दे काले और फस कुल ले जाओ आज स्कूल बोल जाती जो नहीं अपन जाएगा आज जल्दी 11:28 होगी तो जा यार मैंने चलना गाना पता लग गया यार। और देख ली इनके स्कूल कैसे लगते हैं वो भी मैं आपको बता दूं। 12 बजे इनके स्कूल लगते हैं है ना। 12 बजे स्कूल लगते हैं अफ्टरनून है। नरीन थप नरीन की बच्ची ना आप मेरे साथ काम नहीं करवा रही तो यहाँ ना ऐसे ये तो पातियाँ पत्ते हैं ये देखो हम वहाँ नीचे ज़मीन पे रखते हैं खुश्क होती हैं और ये और जो ये है ये लोग ऐसे करते हैं मामी वगैरह थापियाँ यहाँ थप लगा देती है दीवार के साथ तो खुश्क हो जाती हैं बड़ी मुश्किल से। मम्मी लो जी मैंने तो अपना जो गोया थप दिया ठीक है ठीक है। मैंने तो जो अपना गोया है वो थप दिया ठीक है। ये काफी 3-4 पाथियाँ लगा दी है ये मेरी यादों के सहारे देखेंगे क्या अल्लाह ये थापियाँ आसिया बना के गई थी। अरे वाह ये अब मैं घर लेके जाती हूँ। नूरीन की बच्ची ना इसको फेंक के चली गई अंदर अंदर सर फिर जितना हमसे गोबर उठाया गया है और थापियाँ वगैरह बनाई गई हैं उतनी हमने बना ली हैं ठीक है। और ये मैं इनके जो बट्ठल है इधर रखने लगी हूँ ये जाने और इनका जाने काम ठीक है। जितनी थोड़ी सी मैंने हेल्प करवानी थी वो करवा दी है। कैसा लगा आपको इधर का माहौल ये बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो जो मेरे चैनल पे नया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ओके अल्लाह हाफिज़ गुड बाय।